बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, मेरी जो फेवरेट कोटेशंस थी, वन ऑफ़ द फेवरेट कोटेशंस, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की ये दोनों कोटेशंस हैं। पहली कोटेशन ये कि गौर व फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल देख कर तुम गमगीन ना हो जाओ। अब ये कोटेशन वन ऑफ़ द फेवरेट कोटेशन थी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ एक और कोटेशन, वो भी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। अब ये दोनों कोटेशन बज़ाहिर तो वो लफ्ज़ ही हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को लिखें, एक बार लिखने के बाद इन दोनों को गौर व फिक्र करें, आप लोगों को इस कोटेशन की जो वर्थ है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यानी पहली कोटेशन जो कि मैंने आप लोगों के सामने अर्ज़ की कि गौर व फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल देखकर तुम गमगीन ना हो जाओ। अब ये कोटेशन आप लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। यानी कोई जिस काम में आप किसी को देखें वो कोई कमाल दर्जा हासिल कर रहा है, उसको देख कर कभी भी गमगीन ना हो, खुद को उस लेवल पर लेके जाने की कोशिश करें, मेहनत करें। और जो दूसरी कोटेशन थी कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो, अब ये कोटेशन आप लोगों को जीने का एक मकसद देती है, जीने के लिए एक नई उमंग, नई उम्मीद देती है। यानी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। अब ये हक में होने का मतलब क्या, ज़रा गौर व फिक्र करें कि जो भी आसानियाँ, जो भी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आई, तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें और उसकी आजमाइश हैं। तो फिर गमगीन क्यों होना, तो फिर खुल के जिए। अगर आप इन दोनों कोटेशन को लिख कर कहीं लगा लें और डेली इनको पढ़ते रहें, यकीनन आप लोगों को ये मोटिवेट करेंगी। अगर ना करें तो पैसे वापस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।